हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं श्वेता टेक टिप्स। दोस्तों, अगर आप पारंपरिक खेती को छोड़कर कॉमर्शियल फार्मिंग, जिसको कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी कहते हैं, अगर आप इसको करते हैं तो 4 से 5 गुना ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, क्या करने का तरीका होता है, कौन कौन से फसल आप उगा सकते हैं, तो सारी बातों की जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसी तरह के नए नए बिजनेस आइडिया के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ट्रेडिशनल फार्मिंग करने वाले किसानों की कमाई को लेकर अक्सर शिकायत रहती है। कई किसान तो कर्ज में डूबे होते हैं और यही वजह है कि अब किसान मॉडर्न फार्मिंग यानी कि कॉमर्शियल फार्मिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में रहने वाले रमेश पटेल और उनके बेटे उर्विन पटेल ने ऐसी ही एक पहल की है। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं। महज 2 एकड़ जमीन पर वे हल्दी, बैंगन, टमाटर सहित 10 तरह की फसलें उगा रहे हैं। इससे सालाना 10 लाख रुपए उनकी कमाई हो रही है। रमेश पटेल किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पहले वे ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे यानी कि पारंपरिक खेती करते थे। कम जमीन होने की वजह से प्रोडक्शन भी कम होता था, लिहाजा ना तो उन्हें सही दाम मिल पाता था और ना ही अच्छी कमाई हो पाती थी। इसी वजह से धीरे धीरे खेती को लेकर उनकी दिलचस्पी भी कम होती जा रही थी। इसके बाद उनके बेटे उर्विन भी पिता के साथ खेती में उतर गए। उन्होंने ट्रेडिशनल फार्मिंग की जगह कॉमर्शियल फार्मिंग शुरू करने की प्लानिंग की। देश के अलग अलग राज्यों में जाकर वे किसानों से मिले, फार्मिंग से जुड़े हुए नए तरीकों के बारे में जानकारी जुटाई। इसके बाद अपनी 2 एकड़ जमीन पर नए सिरे से खेती शुरू कर दी। उर्विन कहते हैं कि हमारे पास जमीन कम थी, अगर हम नॉर्मल खेती करते तो साल में 2-3 फसल ही ले पाते, इससे उनकी उतनी कमाई नहीं हो पाती। इसलिए मैंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल पर काम करना शुरू किया ताकि कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा फसलें लगाई जा सके और सालों भर प्रोडक्शन हो सके, इससे हमें रेगुलर आमदनी होती रहेगी। इसके बाद उन्होंने हल्दी, अदरक, आलू, बैंगन, टमाटर और दूसरी सब्जियां उगानी शुरू किए। इसके लिए अलग अलग लेयर में उन्होंने अपने जमीन को बांट लिया। उर्विन बताते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग का फायदा यह हुआ कि हमें साल में कई तरह की फसलों का लाभ मिलने लगा। एक फसल का सीजन जाता तो दूसरे का शुरू हो जाता, यानी साल भर कुछ न कुछ आमदनी होती ही रहती है। पहले जहां साल भर में मुश्किल से 1 लाख रुपए भी कमाई नहीं होती थी, वहीं पहले ही साल हमारी कमाई 4 से 5 लाख रुपए तक पहुंच गई। इसके बाद अगले साल हमने खेती का दायरा और बढ़ा दिया। हल्दी, मसालों और सब्जियों के साथ ही फलों की खेती भी हम करने लगे, इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। उर्विन के पिता पहले केमिकल फर्टिलाइजर का बिजनेस करते थे, लेकिन जब वे कॉमर्शियल फार्मिंग में उतरे तो ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने लगे। उन्होंने गाय का गोबर, गोमूत्र और खुद से तैयार किया हुआ वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना शुरू किया। इससे धीरे धीरे ही सही लेकिन उनका प्रोडक्शन बढ़ने लगा। उर्विन बताते हैं कि कई लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने लगते हैं। इससे शुरुआत में तो प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन बाद में जमीन की उपजाऊ शक्ति कमजोर पड़ जाती है और प्रोडक्शन घट जाता है। साथ ही हेल्थ के लिहाज से भी केमिकल का इस्तेमाल काफी नुकसानदायक होता है। वहीं ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने पर जमीन की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। वे कहते हैं कि आमतौर पर हल्दी के पौधे 3 से 4 फीट लंबे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 7 फीट तक के हल्दी के प्लांट भी है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने के क्या फायदे हैं। फिलहाल वे गुजरात में अपने सब्जियों की मार्केटिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही हल्दी वे दूसरे राज्यों में भी भेज रहे हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब ही है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, यानी एक साथ एक समय पर कई फसलों का लाभ लेना। इसमें खेती की जमीन को अलग अलग पार्ट में बांट दिया जाता है। मान लीजिए आपके पास 2 एकड़ जमीन है, तो सबसे पहले उसे 4 से 5 भागों में बांट दीजिए, फिर हर हिस्से में अलग अलग फल और सब्जियों की प्लांटिंग कर दीजिए। इसके बाद जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर भी प्लांटिंग कर दीजिए। इसके लिए हम प्लांट को उनके प्रकृति के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। जैसे जमीन के नीचे हल्दी, अदरक, लहसुन, आलू जैसे फसलों की खेती करिए, उसके ऊपर बागवानी यानी कि आम, अमरूद, नींबू जैसे फल लगाइए। जमीन की ऊंचाई बढ़ जाए तो नॉर्मल सीजनल प्लांट जैसे कि राजमा, दलहन फसलें और सब्जियां लगाइए। इसके अलावा जो भी बेल वाले प्लांट होते हैं जैसे कि लौकी, घिया, तोरी, उन्हें मचान बनाकर लगाइए। इसके साथ ही आप गोपालन भी कर सकते हैं, तालाब में मछली पालन भी कर सकते हैं। इसका फायदा यह होगा कि गायों के चारे के लिए भी आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और खेती के लिए पानी की पूर्ति भी तालाब से हो जाएगी। इससे खर्च काफी
हद तक कम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग दोस्तों अगर आप भी पारंपरिक खेती को छोड़कर मॉडर्न फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो इसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। इसकी ट्रेनिंग के लिए आप अपने लोकल स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, वहां से ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपना फार्मिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे ही यूनिक बिजनेस आइडिया के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपसे जल्द मिलती हूँ एक और बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।